हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर आई हूं मैं। और क्वेश्चन को आप देखिए क्या है लिखा है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया। एक वृत्त है और उसके बाहर में एक चतुर्भुज खींचा गया है, ठीक है। आकृति 10.12 में देखिए, जो कि ये फिगर जो है दिया गया है बुक में, क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC है, यानी BC प्रूफ करना है। तो देखिए, प्रूफ करने के लिए मैं पहले आपको समझा देती हूँ, फिर उसके बाद हम रिटेन में प्रूफ करते हैं। चूंकि देखिए, वृत्त पे एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज की जो एक कॉर्नर है, जो एक पॉइंट है यहाँ से, ये बाह्य बिंदु है और उसका जो साइड है वो क्या करता है, स्पर्श करता है एक बिंदु पे, स्पर्श बिंदु पे। तो ये स्पर्श रेखा खींची गई, तो ये इक्वल होगा इसके। और फिर यहाँ पे एक बाह्य बिंदु है और यहाँ पे भी स्पर्श रेखा है, तो ये इक्वल होगा इसके। यहाँ पे भी है तो ये इक्वल होगा इसके, CQ = CR। और यहाँ पे भी एक बाह्य बिंदु है तो DR = DS होगा। तो इसको हम एक इक्वेशन के तौर पे लिख सकते हैं, चूंकि PQRS स्पर्श बिंदु है और स्पर्श बिंदु है, फिर उसके बाद तो AP = AS, चूंकि किसी भी बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा वो क्या होती है, समान होती है। तो इसके अकॉर्डिंग AP = AS इक्वेशन 1। उसी तरह इसको हम कर लेते हैं कि BP = BQ इक्वेशन 2। उसी तरह CQ = CR इक्वेशन 3 और DR = DS इक्वेशन 4। और सारे इक्वेशन को आपस में जोड़ देना है, जोड़ने के बाद ये प्रूफ हो जाएगा। तो मैं लिखकर बता देती हूँ आपको, चलिए देखिए। तो लिखकर ये हमने ऐसा प्रूफ किया। देखिए, जो दिया गया है वो हमने लिखा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत ABCD एक चतुर्भुज है, ये क्वेश्चन में ही है दिया गया है। तथा बिंदु PQR एवं S जो है स्पर्श बिंदु है, PQR S ये स्पर्श बिंदु है, है ना। अब सिद्ध क्या करना है, AB + CD = AB + BC ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हमें प्रमाण दे रहे हैं कि प्रूफ कैसे कर रहे हैं। तो प्रमाण, चूंकि P और S स्पर्श बिंदु है, यहाँ पे हम एक लिखे हैं कि चूंकि P और S यहाँ से हम चल रहे हैं, ठीक है। चूंकि P और S स्पर्श बिंदु है तो AP = AS होगा ना, तो बस हमने उसी को लिखा है AP = AS। और कारण भी हमने साथ में डाला है और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा आपस में समान होती है, यानी AP और S इक्वल होगा, तो उसी को हमने लिखा है। और यहाँ पे रिटर्न में हमने कारण भी बताया है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती है, क्लियर। तो उसी तरह यहाँ पे होगा, चूंकि यहाँ पे P और Q भी स्पर्श बिंदु है, Q और R भी स्पर्श बिंदु है और R और S भी स्पर्श बिंदु है, तो BP = BQ होगा। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है BP = BQ और यहाँ पे क्या होगा, CQ = CR। देखिए, CR = CQ, DR = DS, DR = DS इक्वेशन 4। अब सारे इक्वेशन को ऐड करना है, जोड़ना है, ये सारे इस साइड ऐड हो जाएगा और ये सारे इस साइड ऐड हो जाएगा। तो देखिए, सारे समीकरण को जोड़ने पर AP + BP है ना, AP + BP + CR + DR सारा लिखा है, और AS + BS CQ + DS सारा लिखा है हमने। और इसको भी उसी तरह लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है, AS और DS इसको साथ साथ में लिखना है और BQ और CQ साथ साथ में लिखना है। तो AP क्या है, AP = BP
तो इसको एपी इक्वल टू बीपी, इसको हम पूरा एपी लिख सकते हैं, ए बी, एपी इक्वल टू बीपी, इसको हम पूरी तरह ए बी लिख सकते हैं, उसके लिए हमने ए बी लिखा है। ठीक है, अब सी आर प्लस डी आर, यहाँ देखिए सी आर प्लस डी आर, तो इसको हम सी आर सॉरी सी डी लिख सकते हैं ना, तो देखिए हमने इसको सी डी लिखा है। अब उसी तरह ए एस प्लस डी एस, यहाँ पे आइए ए एस प्लस डी एस, तो इसको हम ए डी या डी ए लिख सकते हैं ना, तो ए डी हमने लिखा। अब उसी तरह डी एस प्लस सॉरी बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो हमको बी सी लिख सकते हैं ना, इसे बी सी हमने लिखा। प्रूफ क्या, यही प्रूफ करना था, प्रूफ करना क्या था, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, प्रूफ हो गया ना। बहुत ही आसान तरीकों से, ज्यादा कुछ नहीं है, हमें कुछ कुछ नियम कानून को याद रखने बहुत जरूरी होते हैं, कुछ प्रमेय को याद रखना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टू ऑल व्यूअर्स।